सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ओपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4, जो कि है क्लास 8 की और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेटेड है 26 जुलाई 2021। तो इस आपका टॉपिक है रिविजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले की वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, टुडे वी विल रिकॉल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो ये देखिए, इक्विलेटरल मतलब कि इसमें बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड इक्वल हैं। इसमें इस पिक्चर में देखिए, इसके सारे साइड इक्वल हैं। और आइसोसेलस, जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं। ये देखिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड बड़ा है, तो इसे हम आइसोसेलस ट्रायंगल बोलेंगे। और स्केलन, जो कि जिसमें कोई भी साइड मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग अलग शेप्स हों। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अक्यूट एंगल ट्रायंगल मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें क्या बोल रहा है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता है ये, क्योंकि इसमें लेस देन है 90 डिग्री से, जो भी मेजर्स हो रहा है इसमें, मेजरिंग हो रहा है वो लेस देन है 90 डिग्री के। तो इसमें क्या देखिए, लेस देन, इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें सब में 90 डिग्री नहीं है और उससे कम है 90 डिग्री से। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल एनी वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे, जो कि एक ट्राइंगल भी मतलब कि मेजर्ड हो जाएगा 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा मेजर, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जस्टिफाई योर आंसर। कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल्स? ट्राइंगल्स है तो उसके 2 राइट एंगल हो सकते हैं। ये देखिए नहीं हो सकते, नो। ऐसे आप ड्रॉ करके बता सकते हैं। कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स लेस देन 60 डिग्री? 60 डिग्री से कम हो सकता है किसी भी एंगल्स का, लेस देन उससे? हाँ, हो सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स? किसी के पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नो। ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो अ मीडियन ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, उस एक ट्राइंगल बनाना है और उसका मीडियन शो करना है। तो यार आप खुद करेंगे। हाउ मैनी मीडियंस डज अ ट्राइंगल्स हैव? तो ट्राइंगल्स के कितने मीडियंस होते हैं, तो ये करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे आप 3 मीडियन। टोटल 3 मीडियन होते हैं सब एंगल्स, मतलब सब ट्राइंगल्स के पास। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल्स, वी कैन नेम द ट्राइंगल वट एवर वी वॉन्ट। तो मतलब कि हम जो भी चाहें उसका नाम लिख सकते हैं किसी भी शेप का। तो जैसे कि लेट्स नेम द गिवन ट्राइंगल KLM। तो ये के है और ये एल है और ये एम है, तो हमने इस ट्राइंगल का नाम लिख दिया KLM। सिंबोलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन ट्राइंगल इज KLM, LMK, MKL, MLK, KML और LKM। तो हम इन सभी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ट्राइंगल को। शोज दैट ऑल ऑफ दीज आर सेम्स। Write the name of triangle and side of the given triangle। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये एग्जाम्पल ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या दिखाया है, इसमें एंगल्स के नाम लिखना है। इसमें सभी साइड इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल। साइड्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल, साइज क्या हो जाएगा, साइड्स मतलब कि KLM, LKM, MKL, KML,
MLK ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। राइट द नेम ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा DCABB, या फिर आप लिख सकते हैं ABCD, ABCD। ऑल एंगल्स मतलब क्या, ऑल एंगल्स का नाम बताए ना, तो ये इसमें देख सकते हैं क्या है, 90 डिग्री से लेस देन है अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल AAT लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। और डायगनल्स, डायगनल्स कितने हैं, तो यार आप खुद करेंगे। डायगनल्स वो होते हैं जैसे कि एक कट कर रहा है, एक दो, तो टोटल दो डायगनल्स हैं इसमें। उसके बाद देखिए शेप फिगर प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या बताया, सारे शेप्स, कुछ कुछ शेप्स के फिगर बताए हैं और प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो आइए पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल का हो गया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री, इन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का। ये शेप आप देख ही सकते हैं। पैरेललोग्राम जो कि थोड़ा ऐसे होता है टेढ़ा सा, और दूसरे साइड से भी टेढ़ा होता है, अगर हम ये शेप काट देंगे और यहाँ पे लगा देंगे तो इक्वल स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल ही बनना है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इसमें क्या बोल रहे, पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, ये साइड हो गया ये साइड हो गया, वो जो कि पैरेलल होते हैं मिलते नहीं हैं कभी भी इसमें, और इक्वल भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल भी इक्वल है, यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे भी एंगल जो इक्वल ही है। नेक्स्ट स्क्वायर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल ही होते हैं और ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और मेजर्स होते हैं 90 डिग्री। रेक्टेंगल में देखिए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इसमें बोल रहे पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो भी पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं और एंगल मेजर होते हैं 90 डिग्री का। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ड्रॉ अ काइट रोम्बस, तो इसमें काइट बनाना है रोम्बस, इस शेप को हम रोम्बस बोलते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड, इसका लेंथ हम भी लिख देंगे, मतलब कि लेंथ करके ही बताना है। लेंथ ऑफ ईच डायगनल, डायगनल जो ये कट करेंगे उसका भी लेंथ बताना है। ऑल द एंगल्स, एंगल्स का नाम भी बताना है, तो ये आप खुद करेंगे एंगल्स का नाम। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अबव मेंशन्ड फिगर एंड डिस्कस इट विद योर टीचर, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको उसके बेसिस ऑफ अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे प्रॉपर्टीज लिखनी है इसकी, और मेंशन करना है फिगर्स पे, और डिस्कस करना है आपके टीचर के साथ। आर द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो ये देखिए एक मिनट, डायगनल्स इक्वल ही हैं, यस आर द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। आर द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, हाँ इसके भी इक्वल होते हैं, तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, मतलब कि ड्रॉ करके भी बताना पड़ेगा। तो आज की वर्कशीट इतनी थी, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।